वाराणसी जिला ग्राम दुर्गा नगर पोस्ट चोलापुर की राधिका देवी नामक 40 वर्षीय वृद्ध एवं विधवा महिला इंदिरा आवास न होने से उनके पति की 5 साल पहले मृत्यु हो जाती है, जिस सदमे में वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठती हैं। उनका बेटा अपना और अपनी मां का जीविकोपार्जन चलाने के लिए पड़ोसियों में भीख मांगता है, और ऐसे ही इस गांव के 500 लोग इंदिरा आवास की समस्या से परेशान हो रहे हैं। आपके पति है? वो तो मरी गल बना होता है, मिर्गी आवाले तो वो देखे दरे देला, वो लड़का हमके संभारा ला। जोर से बोला। क्या नाम है? जोर से कहो। पापा का नाम? किशोरी। हाय पापा। समस्या ये है कि घर द्वार चूहा था, लड़कन के रहे कहीं जगह ना, प्लास्टिक डाल के रह रहे हमने, बरसात में चूहा ला तो हमने बच्चन के लेके बैठल रही ला, अपन खाना पीना के लेके चूता है पानी में डेक्ची में चल जाला, तब का करेंगे। राधिका केसरी जी का क्या हाल है प्रधान जी? उसका तो हाल ठीक है, बहुत पहले से बहुत। उसका आदमी मर गया, करीब 5-6 साल हो गया जी, तो ये बीमार भी चलती है, इसके भी हफ्ता पर मूर्छा आ जाता है, तो इसके सामने तमाम समस्या है। मकान इसका मड़ई देख ही रही हैं, हर बारिश में हम इसका मड़ई छवाते हैं, जब जब बारिश आती है तो। प्रधान जी, मड़ई से कम इनको एक घर नहीं बन पाएगा? घर तो आवास के लिए दिया, फर्स्ट नंबर इसका नाम है राधिका किशोरी, आवास आएगा तो पहला इसका आएगा। मैं वीडियो देखने वाले दर्शकों से ये अपील करती हूँ कि गरीब व्यक्तियों की समस्याओं से मुक्ति दिलाने हेतु हमारी मदद करें। ग्राम सभा अधिकारी को इस नंबर 8874140044 पर कॉल करके दबाव बनाएं। मैं शबनम, वाराणसी जिले के उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहट के लिए।